इस ब्लॉग को क्या करना है? सब्सक्राइब करो और शेयर करो। शेयर करो चैनल को, सब्सक्राइब करो। लेकिन निगाह है मेरी। कौन सी निगाह तेरी? चील। चील की निगाह है? इगल। तो उठ जा फिर, उठ जा फिर। फिर से उड़ना उड़ना एक बार उड़ना। पंछी बनू उड़ती फिरू गगन फिरू गगन फिर। चील चला उड़ के दिखाना, उड़ के दिखाना जो उड़ नहीं रहा, जो गिर रहा है। आपका स्वागत है शुभ महादेव जी। चार पांच दिन वो करता रहा ऐसे, फिर क्या कि उसने एक दिन जब पार्वती पूजा करके जाने लगे तो अपना भयंकर रूप धारण करके दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं शुद्ध महादेव, जहाँ से कितनी थोड़ी दूरी होगा अभी मैं पता नहीं है, कितनी दूरी है पूछते हैं वैसे, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है जहाँ पे आना, तो हम इसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। अभी तो होटल भर भी थी हम लोगों ने, वो नहीं बना। ऊपर देख रहे हो कितनी मस्त है यार, मस्त मतलब पेड़ ही पेड़ है, गर्मी का पता कोई नहीं है। चलो नीचे चलते हैं अभी, चलो अभी। इस ब्लॉग को क्या करना है? सब्सक्राइब करो और शेयर करो। शेयर करो चैनल को, सब्सक्राइब करो। अपने 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 सारे व्यूअर्स को ही बोल दे तू भी। अनार कहाँ है? ना अनार के पेड़ है ना, अमरूद तूने सारे उखा लिए आज। अनार के ऊपर नजर है, अनार के ऊपर नजर। चील की निगाह है मेरी। कौन सी निगाह तेरी? चील। चील की निगाह है? इगल। तो उठ जा फिर, उठ जा फिर। फिर से उड़ना उड़ना एक बार उड़ना। पंछी बनू उड़ती फिरू गगन फिरू गगन फिरू गगन में। जे हमारी आज ना, आज की चील हमारी यही है। चील चील चला उड़ के दिखाना, उड़ के दिखाना जो उड़ नहीं रहा है, जो गिर रहा है। जे ऐसे उड़ रहा है जैसे इसके पर कट गए ना। हाँ गाइस, गर्मी हिसाब ही ना तेरे। गाइस दोनों मिलके पता नहीं कौन सा प्लान कर रहे हैं, ऊपर पता नहीं इन्होंने टावर लगाना, ऊपर ऊपर टावर लगा रहे हो। अच्छा कौन सी बात कर रहे हो? प्राइवेट क्या है हमें? क्या प्राइवेट है? मैंने सोचा पूरा पहाड़ ही खरीद रहा है। नहीं जे जे जो बंदा है ना, पता क्या बोल रहा है, बोलता कोई अपनी प्राइवेट बात है। प्राइवेट इधर मुंह कर ले फिर, प्राइवेट दोनों में क्या हो सकता है? इधर सुनो फिर, दोनों में प्राइवेट क्या हो गया? हेलो नी, दोनों लड़के लड़की है, फिर सोच लो लड़कों लड़कों में प्राइवेट क्या होता। सुन ले वो समझ गया, वो भाग गया। बोल रहा लड़का लड़का प्राइवेट बात है, वो कैसे भागा वो देखो। अब आप बैठो आगे। नहीं कहाँ खा रहे हो? लगा हुआ है आराम से, मुझे नहीं। कभी बोल रहा है, कभी बोल रहा है मुझे अनार खाने हैं, कभी बोल रहा है सेब खाने। यार पहाड़ों में आके पहाड़ों में आके मतलब पहाड़ों में नेचुरल चीजें बहुत मिल जाती है ना, कोई रोकने टोकने वाला होता है? और नहीं रोकते हैं लोग, पता क्यों? यहाँ पे नेचुरल पेड़ लगे होते हैं सारे, कुछ लोगों ने वैसे अपने उगाए होते हैं, पर मैक्सिमम मतलब की नेचुरली अपने आप निकल जाते हैं, तो कोई भी लोग खाते हैं, लोगों में बांट देते हैं। अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? शुद्ध महादेव जहाँ से वो 11 किलोमीटर है, थोड़ा ही रह गया है, चलते हैं आगे। तो जितना भी होगा जाना है आज हम लोगों ने। अरे एक चीज देख रहे हो, सामने बादल कितने सही लग रहे हैं इसकी। आप मुझे एक चीज बताओ तुम दोनों, अच्छा सही सही बताना ठीक है, इसको तुम भी बता। और मतलब आने का एक्सपीरियंस कैसा है तुम्हारा, मतलब कैसा रहा आना? मुझे तो इतना मैंने एंजॉय किया ना। हाँ। स्टार्ट किया, अभी खत्म जब होगा तब तो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। अभी नेक्स्ट लेवल जा रहा है, सेब भी तेरे को खिलाएंगे, टेंशन मत ले। कभी इसको तेरे को ना लिफाफा भर के घर पे लेके भाई, कभी अमरूद कभी अनार। यार इसने अनार मतलब देख लिए वहां पे, बोल रहा अनार खाने हैं, पहले इसने अमरूद चोरी किए, ठीक है चोरी कोई नहीं।
अभी हम पहुंच गए शुद्ध महादेव। गाड़ी हमारी जहां पार्क हो गई है, अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। और ये रहा कुछ बाजार जो मंदिर का है, वो रहा सामने जो येलो कलर का मेन गेट एंट्रेंस दिख रहा है, ये रहा सामने शुद्ध महादेव जी का मेन एंट्रेंस। चलो अंदर चलते हैं अभी। क्या क्या निकालना है? गाइस ने हाथ हैंड वॉश कर लिए भैया ने, अब ये मत्था टेकिंग के अंदर जाके। ये कौन सी जगह है? मंदिर शुद्ध महादेव, हर हर महादेव। आपका स्वागत है शुद्ध महादेव जी मंदिर में। मैंने सुना है कि भगवान जी का त्रिशूल है यहाँ पे। हाँ त्रिशूल मिल गया, कोई नहीं चलो पूछते अंदर। शनि शनि भैरवनाथ जी का है, शनिदेव का है। बाबा भैरवनाथ शनिदेव का कैसा था ब्लैक कलर का? इधर से भक्त था, उन्हीं का भक्त था। जो त्रिशूल है ना, इसी का कोई महत्व रहता था यहाँ पे, पर उसमें ज्यादा घमंड आ गया, पर टूटा हुआ है ना त्रिशूल। इसका पार्ट हो ही नहीं सकता, इसका नहीं सकता। ये अंदर से हाँ हाँ टूट गया, अलग अलग मतलब पार्ट वो क्या पता अंदर वो कुछ किया होगा, कुछ ऐसा उस पर लिखा भी है, कुछ देखो ध्यान से कुछ किया परिक्रमा कर लेते हैं, एक परिक्रमा कर लेते हैं मंदिर की। चलो उनसे पूछते हैं जय गणपति साहब कर रहे हैं, हम गणेश भगवान जी। ओम गणेशाय नमः। हनुमान जी हर हर महादेव, जय हनुमान। वाह वाकई में ऊपर वाला व्यू कितना मस्त है भैया, व्यू कितना अच्छा है वहां पे ऊपर साइड का ना, वो बादल देख रहे हो कैसे टच हो रहे हैं पहाड़ के साथ, मैं वही तो देख रहा हूं यार हां कैसे टच हो रहे हैं। हम लोग ऊपर जाएंगे और हम भी लोग बादलों के बीच में वैसे है ना। हां कितना सही मजा आएगा ना यार, यहां पे गर्मी भी लग रही, कितनी धूप में आप घूम रहे हैं।
नंगे पैर घूम रहे हैं, शर्ट कितनी फुल डाली हुई है, कोई गर्मी नहीं है। हम जम्मू में होते ना इस टाइम, पसीने से पागल होते हैं। जो आपका टीका है ना, ये पूरा पिघल जाता नीचे, पूरा कोई गर्मी नहीं। कितना ठंडा है यहाँ पे यार, ऐसा लग रहा है गर्मी की। दिसंबर में धूप सेकते ना बाहर बैठ के, ऐसा हीट ले रहे हैं हम। पंडित जी से पूछते हैं कुछ यहाँ पे ना, उनके बारे में। गोरखनाथ पंडित से आप पूछोगे? हाँ, वो बैठे हैं गोरखनाथ जी का। गोरखनाथ जी का शिवलिंग कहीं बोलते हैं, नंदी जी। मैं आपको बता रहा था हिस्ट्री, मुझे इतनी ज़्यादा वैसे पता भी नहीं है। मैंने क्या गूगल में ही सर्च किया था, तो मैं बता रहा था आपको। एक काम करते हैं, पंडित जी से मिलते हैं, उनसे मतलब हिस्ट्री पूछते हैं, चलो मतलब विस्तार से बताएंगे। चलो फिर अंदर है तो वहाँ से पूछते हैं जाके। चलिए जय शिव। वहाँ पर शिव परिवार है, शिवलिंग के साथ में है, भगवान शिव और पार्वती साथ में। पंडित जी हैं, मानतलाई में राय हिमाचल मैने देव जी रहते थे, तो मानतलाई वो उनका जन्म हुआ पार्वती का। वहाँ से गोलकुंड जाके स्नान करती, गुफा में तपस्या करती थी, वहाँ से जल लेके आती थी। ये जो शिवलिंग है यहाँ, जिसके पार्वती ने अपने हाथों से भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए स्थापित किया हुआ है इसको। तो यहाँ एक सुधंत नाम का राक्षस था, वो भी एक भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। और जो था वो भी यहाँ पे पार्वती को जब देखा तो अपने पार्वती की पूजा में विघ्न डालने शुरू किया। चार पाँच दिन वो करता रहा ऐसे। फिर क्या कि उसने एक दिन जब पार्वती पूजा करके जाने लगे तो अपना भयंकर रूप धारण करके विराट रूप उनके आगे खड़ा हुआ, जो राक्षस थे। हाँ, तब पार्वती ने भोलेनाथ को याद किया, हे प्रभु मैं आपकी पूजा करती हूँ, मुझे राक्षस धर्म की पूजा में विघ्न डाला। उस समय भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत में से छुड़ा उस राक्षस का वध किया, जैसे वध किया उसको शिवानी का। और भगवान शंकर यहाँ प्रभु भगवान ने कहा वरदान में, उसने कहा हे प्रभु मैं आपके हाथों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तभी का नाम पड़ा सुधमरे, शुद्ध हो गया राक्षस की मुक्ति महादेव शंकरी का नाम। और पार्वती को विवाह का वरदान यहाँ प्राप्त हुआ, शादी जो है वो मांग लेगा जी। जो सामने मूर्ति की बनाई नहीं किसने, एक किसान खेत में हल चलाता, हल चलाते समय इसमें से खून की धाराएं निकलने लगी। और इस किसान ने कहा कि है जे मूर्ति को पत्थर की मोर खून कैसे इसमें से निकल रहा है। और उसने इसे वहां से खदवाई करवा के इसे साफ करके टोकरे में डाल के यहां लेके आया। तो जब यहां पहुंचा, यहां ये इतनी ज्यादा मतलब एक भारी हो गई। तो उसके बाद छोड़ना, उसके बाद सुबह आया उसने उठाने को, उठाने जो हमारे ये राजे थे चनानी को, उन्होंने इनकी स्थापना कर ली, जिसमें आप देख सकते हो गणेश है, भगवान शंकर है, पार्वती जी, ब्रह्मा विष्णु नंदी जी। और यहाँ जो भी जल चाहते हैं वो भी धरती में समा जाता है। त्रिशूल है, उसके तीन हिस्से, एक हिस्सा धरती में समाया है जिसका कोई अंत नहीं है, और दो हिस्से इसके धरती पे गिरे जो राज ने लगा उसमें लिखा हुआ हाथ के निशान दिए जो आज तक पड़े हुए हैं। तो जो ये त्रिशूल के तीन हिस्से हुए थे, ये कैसे हुए थे? ये जब राक्षस को आके लगा था ना, तो उसी समय इसके तीन हिस्से हुए थे, मगर एक हिस्सा इसका स्वयं भूमि में गया हुआ है, जो हमारे राजे कहीं सदियों तक इसकी खदवाई कराते थे, उसको कोई अंत नहीं है। और दो हिस्से इसके धरती पे गए थे, वो राजे ने लगवाए, इसमें लिखा हुआ है और हाथ के निशान, जो लिखा हुआ आज तक पढ़े नहीं गया हुआ जी। हिस्ट्री इसकी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, तो हमें भी अच्छा लगा मिलके। चलो चलो बाहर चलते हैं। राम से राम से सिर बज गया महादेव। देखो उनको सिर पे लग गई है। जैसे पंडित जी ने बताया था कि राक्षस को भगवान शिव ने जो त्रिशूल मारा था, ये तीनों ही है, दो जो टुकड़े बाहर पड़े थे जी, यहाँ के जो चनैनी के राजा थे उन्होंने इसकी मतलब की स्थापना करवा दी थी जहाँ पे, और जो तीसरा है इसकी खुदाई करवाई थी, पता नहीं कितने नीचे किलोमीटर नीचे रह गए थे, पर लेकिन इसका कोई अंत नहीं हुआ है ना। ये मतलब तीनों त्रिशूल जहाँ पे स्थापित हुए हैं। सो गाइस, मेरा आने का जो पर्पज़ था, जो मकसद था, जहाँ पे आपको चूरमा देव के दर्शन करवाने थे, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर मेरा काम अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा जे एक्सप्लेन करना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने फैमिली और अपने पूरे जो आसपास के लोग घर में प्यार बनाए रखो, है ना, सुख शांति से रहो। बस यही मैं कामना करता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे अंत करते हैं, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, हर हर महादेव।